पीछे से थोड़ा बेटर दिखेगा, यहाँ पे बेटर है या पीछे बैठना है ना? हाँ, इसलिए थोड़ा पीछे चले जाओ आप। अपनी 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 सीट देख ले, आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया क्लासरूम है भाई ये, है ना? हाँ, ये बात सही है, इसमें अलग मतलब फील आता है। अभी एसी चल जाएंगे यार, कोई नहीं, फैन चला लो, पीछे सबसे पीछे वाला चला लो ना। दिख नहीं रहा? इधर आ जाओ ना, इधर दोनों। ठीक है, वहीं बैठ। अब क्लास स्टार्ट कर ले हम लोग, बातें थोड़ी कम करना। आपको पता ही है कि वो वीकेंड आते आते गला वो हो जाता है, ठीक है ना? एक दिन में 4 क्लास होती हैं, 8 घंटे चीखना चिल्लाना, ठीक है? तो पर आप बहुत अच्छे बच्चे हो, एक बारी में बोला और सारे चुप हो गए, बहुत बढ़िया बात है। पेपर का नाम आप सबको पता है, डायरेक्ट टैक्सेशन। और अगर हम लोग बात करें, मंडे हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आज लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा। और आज लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 9th लेक्चर होगा। 18 घंटे मतलब हमने एक चैप्टर में लगा दिए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? तो लेक्चर नंबर 9, हम लोग बात कर रहे थे रेट ऑफ टैक्सेस की, या रेट्स बोल सकते हैं आप, रेट्स ऑफ टैक्स की हम बात कर रहे थे। कितने रेट होते हैं? 2 रेट होते हैं, एक नॉर्मल रेट होता है, एक स्पेशल रेट होता है। नॉर्मल रेट, स्पेशल रेट या स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है? जो हमारा स्पेसिफिक रेट है वो कहाँ दिया होता है? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 1961। और नॉर्मल रेट कहाँ पे दिया हुआ है? फाइनेंस एक्ट 2022। जो नॉर्मल रेट है वो कितने है? नॉर्मल वाले भी 2 हैं, पहले स्लैब लगेगा, फिर सामने वाला फ्लैट हो जाएगा। जो स्लैब रेट है वो इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है, HUF के ऊपर एप्लीकेबल है, कौन बोला पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। जो बेटा फ्लैट रेट है ना, वो आपका कंपनी के ऊपर और पार्टनरशिप फॉर्म पे लगना है, इंक्लूडिंग LLP। तो जो कंपनी है वो कौन थी, लड़की कौन थी? अच्छा, इसी क्लास है? अच्छा, तो जो कंपनी है वो डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी का 30% है, इसका 40 है और इसका 30 है। इसके अलावा जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो, और वो क्या था जो हमने लास्ट क्लास में किया? स्पेसिफिक रेट थे,
नंबर वन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 वाला, जिसका रेट कितना था 20%। फिर दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए वाला 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा होगा। फिर हमने तीसरा लिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, 111 कैपिटल ए 15%। इसके अलावा तो और कुछ नहीं, लिख लो। इसके अलावा लॉटरी के ऊपर, लॉटरी के ऊपर है 30%, लॉटरी के ऊपर 30%, आर्यन गोपी प्रिया ओम। बच्चे जो फरीदाबाद से आ रहे थे वो कहाँ गए, वो नहीं आए क्या आज? उनका मोबाइल फोन भी वो हो गया था, मोबाइल फोन गुम हो गया था। फरीदाबाद वाले थे ना वो जिनका हुआ था? हाँ फरीदाबाद से ही तो थे वो दोनों। लास्ट कल भी नहीं आए थे क्या? अपने सामान का ख्याल रखें, ठीक है। डन है यहाँ तक? रुक जाओ, नोट कर रहे हैं वो। आप दोनों के पास आ गए नोट्स? आ जाओ बेटा, एक नोट्स दे देना। पांचवा लिखो, सेक्शन 115 बीबीई। तो सेक्शन 115 बीबी क्या है? मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, आपने एक गाड़ी खरीदी और जो आपने गाड़ी ली उसमें क्या हुआ कि आपने वो 10 लाख रुपए की गाड़ी ले ली बट आपने वो इनकम शो नहीं की थी, तो भैया आप इनकम टैक्स उस इनकम के ऊपर 78% टैक्स लेने वाला है। याद है किसी को? 78% टैक्स लगेगा। अगर कोई भी आपकी अनडिस्क्लोज इनकम है, अगर कोई भी आपकी क्या है अनडिस्क्लोज इनकम जो कि आपने इनकम टैक्स में नहीं बता रखी, वो अनडिस्क्लोज हो गई ना भाई, उसके ऊपर आपने इनकम टैक्स पे नहीं किया, तो उस केस के अंदर क्या है 78% टैक्स है, 78%। तो ये कहां लिखा हुआ है? 115 बीबीई के अंदर, और इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड मनी। ये पेज नंबर 35 पे दिया है प्रिंटर के, जो प्रिंटर का पेज होता है ना वो नीचे होता है, बाकी घर जाके आप एक बार इंडेक्स बना लेना, है ना? ठीक है, तो पेज नंबर 35 पे दिया हुआ है अनएक्सप्लेन्ड इनकम 60% टैक्स लगेगा प्लस सरचार्ज लगेगा इसके ऊपर 25%। सरचार्ज का रेट कितना है 25%, तो 60 का 25% निकाल के बताओ, 60 का 25% कितना होता है? तो ये 15 आपने जोड़ दिए तो कितना हो गया, 75 हो गया। ऐसे लगाते हैं 60% क्या है आपका स्पेसिफिक रेट है 60%, जैसे लॉटरी लगी कितना टैक्स देना है 30%। 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, वो नाम सुना है सुशील कुमार, 5 करोड़ की लॉटरी लगी थी, 30% टैक्स कट गया, मतलब 1.5 करोड़। बंदे को कितना मिला? 3.5
5 करोड़। वो बेचारा आज तक पे रो रहा था 3 महीने बाद, कह रहा मेरे को कितना दिया है, 3.5 दिया है, बोला था 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। तो उसको समझाया गया कि भाई इसके ऊपर टैक्स कटता है कितना, 30%। वो तेरे को 1.5 करोड़ देना ही पड़ेगा, पर वो हाय हाय करता रहा कि मेरे 5 करोड़ नहीं मिले, 1.5 करोड़ ले गए। फिर अमिताभ को भी उसने कुछ बोलना स्टार्ट किया उल्टा सीधा, फिर वो बातचीत की तो उसको बताया ऐसे मत बोलो क्योंकि पब्लिक में जाता है सब कुछ, फिर ये पब्लिक है। आ गई बात समझ में, ऐसा बायकॉट करेगी कि बस पूछो मत। बेचारा अमिताभ इतने मतलब इतने टाइम से यार उसने अपना वो बना रखा है, अब एक आदमी कुछ बोल दे, और हम हिंदुस्तान वाले तो ऐसे ही हैं, इस लड़के ने कुछ बोल दिया इसको कि ये तेरे वो तीसरा लड़का तेरे बारे में ये कह रहा था ये मान लेगा, अब वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं रहा था, है ना। या हमारी गली वाली आंटी या पास वाली आंटियाँ भी बहुत बातें कर लेती हैं, खासकर गर्ल्स के बारे में, वो आंटियों को कुछ पता होता नहीं है, उनकी लड़की कुछ करे तो वही वाली कहानी, और हम करें तो बस ये कहानी है। तो 60% समझ में आया, 60% गलत तो नहीं बोल रहा ना, 60% समझ में आया, ठीक है। और सरचार्ज आपको अलग से, सरचार्ज आपको अलग से पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा सरचार्ज, 25% पे करना पड़ेगा। टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, ये 75% हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आपको बताइए प्लस करना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और कितना लगता है वो 4% ऑलवेज, 4% ऑलवेज कितना होएगा, 4% 3+ हो जाएगा, तो इफेक्टिव रेट कितना आ जाएगा, 78% ये इफेक्टिव रेट हो जाएगा। ये रेट निकालना आया, बच्चों को ये रेट निकालना आता नहीं है इसलिए मैंने निकाल के दिखाया आपको। बच्चे कहते हैं सर हमने तो क्या किया था 60 में 25+ कर दिया था, फिर ये 4+ कर दिया, 78 आ ही नहीं रहा। 60% क्या है, स्पेसिफिक रेट है, फ्लैट रेट है, उसके ऊपर आप 25 लगाओगे तो 15 आएगा, फिर वो जोड़ोगे उसके ऊपर 4% लगाओगे तो 3 आएगा, फिर जाके वो इफेक्टिव 78% बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये देखो ये हमने बहुत बढ़िया तरीके से ये चीजें की हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, स्लैब रेट के अलावा हम लोगों ने सरचार्ज किया, सरचार्ज के साथ साथ हम लोगों ने मार्जिनल रिलीफ सीखी। बात समझ में आ रही है, आज सरचार्ज के अंदर ही कुछ और सीखना बाकी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने ये स्पेसिफिक इनकम ली थी, आज स्पेसिफिक इनकम भी लेंगे और साथ में सरचार्ज भी लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। मतलब कि कल तक हम अमीरों की दुनिया में थे, अब हम और अमीरों की दुनिया में जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी होने वाली है। तो आज की क्लास के अंदर आपका बस मुझे 10 मिनट चाहिए, बस 10 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है वो समझ लोगे तो पूरी क्लास समझ में आ जाएगी, फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपका। क्या करने जा रहे हैं, सरचार्ज भी ले रहे हैं साथ में स्पेसिफिक इनकम भी ले रहे हैं, सरचार्ज भी ले रहे हैं साथ में स्पेसिफिक इनकम भी ले रहे हैं, कि अगर ये सारा मिलाएंगे तो कैसे करके। एग्जांपल लेंगे बढ़िया बढ़िया, हेडिंग डालेंगे आज का टॉपिक, आपका पेज नंबर 36 पे दिया हुआ ये सब कुछ, पेज नंबर 36 के अंदर ये सब कुछ दिया हुआ है। सरचार्ज, फॉर एसएससी, एसएससी का मतलब आपको पता ही है टैक्स पेयर, कौन कौन से एसएससी आएंगे, दैट इज नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 एचयूएफ, एओपी, बीओआई जिसको फुल फॉर्म नहीं आती घबराने वाली कोई बात नहीं है, एंड एजेपी।
डन है। यहां पे लिखना केस नंबर वन, अलग अलग केसेस बनाएंगे, सबसे पहले केस नंबर वन लेने जा रहे हैं। केस नंबर वन, पहला केस, आपकी टोटल इनकम, साथ के साथ लिखते चले जाएंगे, आपकी जो टोटल इनकम है वो अप टू 50 लाख है, 50 लाख की आपकी टोटल इनकम है, 50 लाख की आपकी टोटल इनकम है, ऐसे टेबल बना लेनी है। पचास लाख की अपनी टोटल इनकम है, पचास लाख रुपए की मेरी टोटल इनकम है। अब इसमें करना क्या है, एक तरफ तो मेरी जो इनकम है टोटल इनकम इंक्लूडिंग क्या, उसके अंदर कुछ इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है उसके अंदर, उस टोटल इनकम के अंदर क्या इंक्लूड है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है 112 वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है 112 कैपिटल ए वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है 111 कैपिटल ए वाला, और डिविडेंड की इनकम भी इंक्लूड है। ठीक है, इसके लिए वैसे कोई सेक्शन नहीं था, तो डिविडेंड इनकम, ये चार इनकम क्या है इसके अंदर इंक्लूड है, ये चार इनकम इसके अंदर इंक्लूड कर रखी। और मेरी इनकम कितनी है, 50 लाख रुपए इंक्लूडिंग इन चारों को जोड़ के मेरी इनकम 50 लाख रुपए है। आपने बताना है मेरा सरचार्ज का रेट क्या होगा, सरचार्ज कितना लगने वाला है, सरचार्ज का रेट बताना है आपने। असली में मुझे क्या करना था, थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि मैं अभी ऑन द स्पॉट ही बना रहा हूँ, ये थोड़ा नीचे लिखना था, पहला केस यहां पे आता नीचे, टोटल इनकम अप टू रुपीस 50 लाख। तो अगर मेरी इनकम 50 लाख रुपए है तो क्या मेरी इनकम के ऊपर कोई सरचार्ज लगेगा, आंसर इज नो, मेरी इनकम के ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, तो निल आंसर है इसका। कितना आसान केस था और आपको आता था, बहुत आसान सा केस आपको आता था। केस नंबर टू, मेरी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से क्या है, ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है, और लेस देन और इक्वल टू कहां तक है, 1 करोड़ तक है। भाई मेरी इनकम जो थी 50 लाख रुपए थी, टोटल इनकम पहले केस में मेरी इनकम टोटल इनकम कितनी थी, 50 लाख रुपए थी, उसके अंदर ये सारी इनकम क्या है, जोड़ी हुई है, ये इनकम भी मैंने जोड़ रखी है, सारी मिला के 50 लाख रुपए, तो मेरी इनकम के ऊपर सरचार्ज का रेट तो निल रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरी इनकम क्या है, 50 लाख से ज्यादा है, और लेस देन और इक्वल टू कितना है, 1 करोड़, तो मेरी इनकम में सरचार्ज क्या लगने वाला है, कितना परसेंट, 10%। क्या इसके अंदर ये इनकम इंक्लूड है, आंसर इज यस। मैं तो हर केस में बोल दिया ना कि ये इनकम इंक्लूड है, ये इनकम इंक्लूड है, हर केस में इंक्लूड होगी, इसी के तो केसेस बना रहे हैं। तो जो ये इनकम होगी इसके ऊपर भी कितना सरचार्ज लगेगा,
बताओ इस इनकम के ऊपर भी सरचार्ज का रेट क्या रहेगा? 10% रहेगा। दोबारा से यहां पे देखो, इधर पूरा स्क्रीन के ऊपर देखना है, आज बस इस स्क्रीन को देखना है 10 मिनट। ये बहुत ही हाई लेवल की क्लास है, बहुत ही हाई लेवल की। आपको मैं बता देता हूं, एक थोड़ा सा हटके बता रहा हूं, कल का केस बता रहा हूं। एक बंदा सर्विस देता है, क्या देता है? सर्विस दे रहा है। जब कोई बंदा सर्विस दे रहा है तो उसके ऊपर क्या लग रहा है? GST। उसकी 2 करोड़ की टर्नओवर है, 2 करोड़ की सर्विस देता है वो पूरे साल में। पूरे साल में मेरा फ्रेंड है असली में, 2 करोड़ के आसपास की क्या देता है? सर्विस देता है। 18% GST है, कितना हो गया? 36 लाख रुपए भाई, 36 लाख रुपए का GST पे कर रहा है वो। पर कल कुछ हुआ है, क्या हुआ है कि जिस सेक्टर में वो काम कर रहा है उस सेक्टर में GST वालों ने रेड मारनी स्टार्ट कर दी, इसलिए उसका मेरे पास क्या आया? फोन आया। तो जो वो काम कर रहे हैं सर्विस देने का, लीगल काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि इलीगल काम करते हैं, पर क्या होता है कहीं लीगल काम करते हुए भी हमसे गलती हो जाती है। आगे बात समझ? तो किसी बंदे ने उस जैसे आप CMA प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सर्विस दोगे क्लाइंट को, हो सकता है कि आपने GST गलत तरीके से चार्ज कर लिया, हो सकता है, नहीं हो सकता कि आपने GST गलत तरीके से चार्ज कर लिया और डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया। अच्छा, एक CM किसी भी एक CMA को पकड़ लिया होगा तो सब में खलबली मच जाएगी, नहीं मच जाएगी भाई? ये एग्जामिनेशन हॉल है और आप सारे बच्चे क्या दे रहे हैं? एग्जाम दे रहे हैं। काजल कौन है? तो काजल को पकड़ लिया, ले ले आपके ऊपर एग्जाम्पल, काजल को पकड़ लिया मैडम ने कि ये बच्चा चीटिंग कर रहा है, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे? हाई अलर्ट हो जाएंगे भाई, और इसको क्लास से बाहर निकाल दिया 15 मिनट के लिए, पेपर कैंसिल नहीं किया, इतनी जाहिल नहीं है मैडम, ठीक है ना, और 15 मिनट के लिए क्लास से बाहर निकाल दिया। तो सारे के सारे बच्चे अब क्या है? डर जाएंगे। जिसके पास फर्रा होगा यशिका वो भी फेंक देगा, कहीं मेरी चेकिंग ना हो जाए, गलती से चेकिंग हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कुछ? तो उसी तरीके से यहां पे क्या हो गया, एक खलबली मच गई। और खलबली क्यों मच गई है? क्योंकि जिसके रेड मारी है उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने नोटिस बना दिया। डिपार्टमेंट ने क्या बना दिया है? नोटिस बना दिया 18 लाख रुपए का, कि तुम्हें 18 लाख रुपए GST पे करना है एक्स्ट्रा। कम होता है 18 लाख रुपए? लोग सालाना कमाते नहीं होंगे, पहले तो टैक्स मांगा है, पेनल्टी अलग, टैक्स जो मांगा है वो 18 लाख रुपए मांगा है। लोग सालाना नहीं कमाते 18 लाख, उसको 18 लाख रुपए टैक्स भरना है। तो उसका आया कहीं भाई हमारा भी चेक कर लो, कहीं गलती तो नहीं हो रही हमसे, अगला नोटिस हमारे पास, जबकि हम कितना टैक्स भर रहे हैं, ये लोग भी 25 लाख के आसपास टैक्स भरते हैं, उसके बाद खर्चे दिखाते हैं ना अपने और थोड़ा टैक्स कम करवा लेते हैं। तो ये जो टैक्स आज पढ़ रहे हो, आज जो पढ़ रहे हो ना आप, ये बहुत हाई लेवल पे है, मतलब कि आपको पता लग जाएगा कि जो लोग कहाँ पैसा कमा रहे हैं, शेयर मार्केट के अंदर। ये जो 112 कैपिटल है ये कहाँ लगता है? जो लोग शेयर मार्केट के अंदर शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में उनके ऊपर 112 ही लग रहा है, शॉर्ट टर्म में 111 कैपिटल ही लग रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं? अपनी एसेट को बेच रहे हैं, तो 112 लग रहा है ना, अपना घर बेच दिया, अपनी ज्वेलरी बेच दी, तो 112 लग रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा बड़े लेवल पे कहानी होने वाली है, पूरा अपना कंसंट्रेशन स्क्रीन के ऊपर बना के रखना। मैंने बहुत बच्चों वाला एग्जांपल लिया कि मेरी टोटल इनकम के अंदर ये चारों इनकम क्या है? इंक्लूड है। आपने अडानी का नाम सुना है? आपको नहीं लग रहा कितना कमाता होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बहुत कमाता होगा, करोड़ों पता नहीं कितनों में जाती होगी फिगर, है ना, और अरबों भी कुछ नहीं है। और जो बंदा उसकी कैलकुलेशन करता होगा, आपको लग रहा है क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा रखा है क्या उसने? पूरी टीम बैठा रखी है, 20-20 लोगों की टीम है, 20-20 लोगों की, मतलब एक CA से काम नहीं चल रहा भाई, 20-20 CA बताओ। तो इसका मतलब बहुत बड़े लेवल पे हो गया काम।
तो उसी बड़े लेवल को हम सीख रहे हैं कि अगर टोटल इनकम 50 लाख रुपए होगी तो क्या हमें कोई सरचार्ज पे करना होगा? कोई नहीं पे करना होगा, जर्नल सी बात है ना। और अगर 50 लाख के ऊपर चले गए और अप टू 1 करोड़ चले गए तो हमारी जो इनकम है उसके ऊपर सरचार्ज का रेट कितना होगा? 10%। और जो ये इनकम है इसके ऊपर भी कितना लगेगा? 10% लगेगा। अब आप चाहते हो कि एक क्वेश्चन मिल जाए, ये पूरा एक पेज तो अलग ही रखना, मैं साथ के साथ क्वेश्चन करवाऊं या पहले पूरा ही लिखवा दूं? है ना, पहले पूरा लिखवा देते हैं, उसमें किसी को समझ में ना आए तो घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हम तो हर सिचुएशन का क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन करने वाले हैं, कहानी खत्म। हर चीज के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे, क्लियरिटी आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखो क्या होने वाला है। दूसरे केस तक तो किसी को कोई कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो आपको पहले से आता है, पता है आपको, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। टोटल इनकम एक करोड़ के ऊपर चली गई और लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़, तो कितना सर चार्ज लगने वाला है? 15% लगने वाला है। और जो ये वाली इनकम है चारों, इनके ऊपर भी कितना लगेगा? इन इनकम के ऊपर भी 15 ही लगेगा। भाई मान लो कि मेरी इनकम 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, मेरी इनकम कितनी है? 1 करोड़ 10 लाख रुपए, जिसमें से 10 लाख की इनकम ये वाली है, समझ गए कुछ? 10 लाख की इनकम कहां हो रही है? इन चार से हो रही है, और बाकी का 1 करोड़ इधर रिमेनिंग इनकम हो गई। ये मैं अब जानबूझ के यहां पे रिमेनिंग लिख रहा हूं, मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा था, मतलब समझ गए ना, मेरी इनकम कितनी है? 1 करोड़ 10 लाख। ये 10 लाख वाली कौन सी है? इन चार से है मिला के 10 लाख, तो इससे कितनी होगी? 1 करोड़। उस 1 करोड़ के ऊपर भी सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। और जो ये 10 लाख है इसके ऊपर भी सरचार्ज कितना लगेगा? 15% लगेगा। इतना समझ में आया? बाकी अभी ये 10 लाख मैं हटा रहा हूं, क्योंकि वो तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। मुझे लग रहा है 3 सिचुएशन तो आपको खुद ही आ गई और आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, अब दिक्कत बढ़ने वाली है धीरे धीरे। चौथा केस कि मेरी जो टोटल इनकम है वो 2 करोड़ के कहां जा रही है? ऊपर, और लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़। अब बताओ मेरे सरचार्ज का रेट क्या होगा? 25%। कान खोल के सुन लो गांव वालों, कान खोल के सुन लो, 25% तो सही जवाब है, पर जो मेरी ये चार इनकम है ना, जो मेरी क्या बोला मैंने, ये चार स्पेसिफिक इनकम है, इनके ऊपर कभी भी सरचार्ज 15% के ऊपर नहीं जाएगा। इन चार इनकम के ऊपर कभी भी 15% के ऊपर सरचार्ज नहीं जाएगा, लॉ मेकर ने बोला हुआ है कि आप क्या, अब मेरी इनकम कितनी है? 2 करोड़ 10 लाख हो सकती है, अब 2 करोड़ 10 लाख के ऊपर कितना सरचार्ज लगना चाहिए? 25। पर मेरी 10 लाख की इनकम कहां से है? इन चार से है, उसके ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा? 15% लगेगा। ये 15 से ज्यादा नहीं जाएगा, लॉ में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है लॉ के अंदर? आपको नहीं लग रहा इस पे भी 25 लगना चाहिए था, रिलैक्सेशन दे दी? भाई इस पे भी तो 25 लगना था ना, इसको रिलैक्सेशन क्यों दे दी? 15 पे जाके क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, 25 क्यों नहीं लगा रहे हो? बोलो, मैं देखना चाहता हूं कौन दिमाग लगा रहा है, लगाओ दिमाग लगाओ। ये चार इनकम के ऊपर, चार इनकम कौन सी है? 112 ए वाली, 111 कैपिटल ए वाली, और 112 कैपिटल ए वाली डिविडेंड वाली इनकम। ये चार इनकम के ऊपर 15 में रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं, 25 क्यों नहीं लगा रहे? देखो कर तो अच्छा रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं, ये भी लॉजिक भी तो पता होना चाहिए ना, लॉजिक भी पता होना चाहिए। सोचो एक बार, देखते कौन सोच पाता है। और कुछ? बहुत पास जा रहे हो आप, नालायक हो। ऑलरेडी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 20% टैक्सेबल है। कितना टैक्सेबल है? 20%। समझ गए, इतने इंटेलिजेंट हो आप। और अगर उसके ऊपर 25% और लगा दिया तो बेचारा फिर गया। देखो
मैं बोल भी क्या रहा हूं उसके ऊपर, ऑलरेडी 112 वाला 20% में, और अगर 25% और लग गया तो कितना हो जाएगा, ये 5 और हो जाएगा, 25% चला जाएगा, आदमी तो मर जाएगा, कहेगा पहले तो 20 ले रहे थे। मतलब कि अगर मैं कोई हाउस प्रॉपर्टी बेच रहा हूं और 50 लाख रुपए कमा रहा हूं, 50 लाख, 50 लाख तो मैंने बहुत कम बोल दिया, 2 करोड़ कमा रहा हूं, तो 2 करोड़ का 20% कितना, 40 लाख। तो पहले तो मुझसे 40 लाख ले रहे थे, अब कितना ले रहे हो, 50 लाख। मर जाएगा नहीं मर जाएगा, ऑलरेडी हायर टैक्स रेट है, क्यों, स्पेसिफिक इनकम है, और स्पेसिफिक इनकम के ऊपर ऑलरेडी क्या होता है, हायर टैक्स रेट होता है। इसलिए लॉ मेकर ने क्या किया है, इस बात को समझा है, और उसने क्या किया है, 15% पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर आपकी इनकम कितनी जाएगी, 2 करोड़ के ऊपर जाएगी, तो आपका तो सरचार्ज का रेट 25% हो जाएगा, पर जो ये 4 इनकम है ना, इनके ऊपर हम 15 से ऊपर कभी नहीं लगाएंगे, इनके ऊपर 15 के ऊपर कभी नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी आपसे बहुत टैक्स ले रहे हैं यार, बहुत ज्यादा टैक्स आपसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको 15% में रोक दिया। अगर कोई आपसे पूछे लॉजिक तो उसको बताना, ऑलरेडी ये स्पेसिफिक इनकम है और इनके ऊपर हायर टैक्स रेट है, ऑलरेडी ले तो रही है स्पेसिफिक बोल के, ले रही नहीं ले रही है, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा और लगा देगी, भाई सरचार्ज का मतलब ही क्या है, एक्स्ट्रा टैक्स, एडिशनल टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, मर जाएगा आदमी। तुमने 8 पेपर पास किए, सीएमए इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आया, लिखा हुआ है सीएमए इंटर, पास तो है पर आपको ना 1 पेपर और देना आके, ये क्या ड्रामा है, पहले बताते, ये क्या ड्रामा है, समझ गए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो 8 पेपर पास किए, लिखा हुआ आएगा इंटर कंप्लीटेड, वो बड़ा अच्छा लगता है सीएमए के रिजल्ट में, और कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा फाउंडेशन में भी ऐसी आया होगा लिखा हुआ, हाँ तो वो सेम, जहां आपका सीएमए फाउंडेशन लिखा हुआ आया था ना, वो सीएमए इंटर पास, और नीचे वो कॉन्ग्रेचुलेशन, वो बहुत बढ़िया भाई साहब, दिल खुश हो जाता है उसको देख के, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। चलो 4 केस तक भी बच्चा कह रहा है चलो ठीक है, समझ में आ गया, राजेश सर समझा रहे हैं हमें, समझ में आ गया है। 5वां केस, टोटल इनकम 5 करोड़ के ऊपर, टोटल इनकम 5 करोड़ के ऊपर, हाँ जी, तो कितना हो जाएगा सरचार्ज का रेट, पर इस वाली इनकम में कितना लगेगा, देखो आपको खुद ही आ गया, कितने इंटेलिजेंट हैं आप, इसके ऊपर 15 ही लगेगा, इसके ऊपर 15 ही लगेगा, सीखने को क्या मिला, सीखने को क्या मिला कि जब हमारा टैक्स 25% और 37% आएगा हमारी टोटल इनकम के ऊपर इंक्लूडिंग ये चारों इनकम, तो उस केस के अंदर इन इनकम के ऊपर 15 ही लगेगा, 15 से ज्यादा नहीं लग सकता। पर वो बात कब होनी है, जब 25 और 37% आना है, जब 25 और 37% आना है तभी ये बात होनी है, अदरवाइज ये बात नहीं होनी है। जब तक 25% नहीं लग रहा, जब तक 25% लग ही नहीं रहा, जब तक तो सोचने की जरूरत है ही नहीं। जब 25 लगेगा फिर सोचना है, जब 25 लगेगा फिर सोचना है कि भैया ये 4 इनकम के ऊपर क्या रेट रहेगा, 15। जब 37 लगेगा फिर सोचना है कि इनके ऊपर 15 रहेगा। कसम खा लो कसम से कि भैया इन 4 के ऊपर 15 के ऊपर जाएंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए, और तुम्हारी कसम अभी तोड़वा दूंगा, ठीक है। चलो अभी पूरा पेज रखना, और भी बहुत कुछ है लिखना बाकी, ठीक है, क्योंकि मैं एक अपना मास्टर चार्ट दूंगा ब्रह्मास्त्र आपको, ये तो लॉ मैंने लिख दिया है, ब्रह्मास्त्र आपको देंगे, मैं आपको दिखाता हूं, ये आपके पास मैं फाइल भेज दूंगा, ये आपके पास क्वेश्चन इसमें नहीं है, मैं भेज दूंगा ये फाइल। कौन है, कितनी एज है, और रेजिडेंट है बेटा, इनकम बता रखी है 22-23 की, कैपिटल गेन 25 लाख,
तुम्हारा, अरे यार ये क्या हो रहा है, अंसर में नहीं देखना है, ठीक है, नजर हमारी अंसर में चली जाती है, वरना मैं अंसर छुपा दिया। कैपिटल गेन 112, कैपिटल ए वाला कितना है 25 लाख है, 111 कैपिटल ए वाला 20 लाख, अदर इनकम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, टोटल इनकम, बताओ टोटल इनकम कितनी, 1,15,00,000, कितने जीरो हो गए, सही हो गया, 1,15,00,000। हां जी, अगर मेरी टोटल इनकम 50,00,000 से ज्यादा है और लेस देन और इक्वल टू 1,00,00,000 है तो कितना परसेंट सरचार्ज था, 10% था, और अगर मेरी टोटल इनकम 1,00,00,000 के ऊपर जा रही थी और लेस देन इक्वल टू 2,00,00,000 तो कितना सरचार्ज था, 15। जब तक 15% लग रहा है गांव वालों, जब तक 15% लग रहा है, जब तक तो दिमाग में जोर डालना ही नहीं है। सर ने चीख चीख के बोला है जब लगेगा 25 और फिर वो चार इनकम के ऊपर 15 लगाना है, जब 37 लगेगा तो वो चार इनकम के ऊपर 15% लगाना है। दिमाग में जोर तभी डालना है जब 25 और 37% आए, जब तक 25% और 37% नहीं आ रहा दिमाग में जोर डालने, और 25% कब आएगा, जब 2,00,00,000 के ऊपर जाएंगे। आपको नहीं लग रहा जो सालाना 2,00,00,000 रुपए कमा रहे हैं छोटे मोटे लोग हैं, समझ गए होंगे, ठीक है ना, बहुत बड़े लोग हैं भाई, बहुत बड़े लोग, ठीक है ना, बहुत बड़े लोग। इतना मैं भी नहीं कमा रहा हूं, मैं क्या बताऊं आपको, इतना हम भी नहीं कमा रहे, तो बहुत ही बड़े लोग हो गए, सालाना 2,00,00,000। जिस दिन टच कर दूंगा तो आपको पार्टी दे देंगे, और आप भी जिस दिन टच करो पार्टी दे देना, आप पहले 1,00,00,000 टच करो फिर पार्टी दे देना, फिर 2,00,00,000 टच करो फिर पार्टी, यही तो है हमने यही तो सीखा है, 2,00,00,000 के ऊपर जाओगे 5,00,00,000 तक फिर पार्टी, फिर 5,00,00,000 के ऊपर फिर पार्टी, फिर पार्टी खत्म, ठीक है। तो मुझे बताओ ये आप क्वेश्चन कर सकते हो, चलो ये फिर भी मैं ही करके दिखाऊंगा, फिर भी मैं ही करके दिखाऊंगा। मुझे बताओ यहाँ पे बेसिक अजम्पशन लिमिट की तो चीथड़े उड़ा दिए, उसमें तो कुछ होना ही नहीं, और जो ये 87 कैपिटल ए लोग चिल्ला रहे हैं वो भी नहीं मिलना इसको, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसने दोनों की धज्जियां उड़ा दी है, ना इसे बेसिक अजम्पशन का कोई बेनिफिट मिल पाएगा और ना सरचार्ज, वो क्या बोलते हैं 87 कैपिटल ए। तो अब देखो टैक्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना टैक्स कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे जो टोटल इनकम है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यस और नो, एक के ऊपर स्लैब रेट लगाना है और एक के ऊपर स्पेसिफिक रेट लगाना है, यस और नो। स्पेसिफिक रेट वाली इनकम अलग निकाल लो, कौन कौन सी है वो, 112 कैपिटल ए वाली जो कि 25,00,000 रुपए है, 25,00,000 लिख लिया, 111 कैपिटल ए वाली जो कि 20,00,000 रुपए है, इनको अलग अलग निकाल लिया। इसके ऊपर कितना लगना है, 112 कैपिटल ए वाली के ऊपर 10% लगना है, और इसके ऊपर कितना लगना है, 15% लगना है। पहले इनके ऊपर टैक्स लगा लेंगे, पहले इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे स्पेसिफिक के ऊपर, आ गई बात समझ में, तो मैं आपको सोल्यूशन दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। 112 कैपिटल ए कितना लगना है, 10%, कितनी इनकम है, 25,00,000, टैक्स कितना आएगा। अब आधे से ज्यादा बच्चे इसमें घबरा गए, ये 240 कैसे आ गया, वेरी गुड, क्योंकि सर 1,00,000 रुपए तो इसके एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स लगता नहीं, तो इसका मतलब कि ये किसके ऊपर लगा है, 24,00,000 के ऊपर। समझ में आया या नहीं आया, कितनों को आया ये, वेरी गुड, पक्का ईमानदारी, कोई एक बच्चा भी रह गया यार, मैं सबका साथ सबका विकास चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 112 कैपिटल ए बोलता है कि आपके पहले 1,00,000 पे हम कोई टैक्स लगाएंगे नहीं, क्योंकि आपने शेयर मार्केट में शेयर बेचे हैं तो 1,00,000 रुपए तक तो जिंदगी जियो, पर अगर 1,00,000 से ज्यादा कमा रहे हो तो फिर हम 10% टैक्स लगाएंगे। तो अगर कोई बंदा 25,00,000 रुपए कमा रहा है तो उसके पहले 1,00,000 पे तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, और बैलेंस 24,00,000 पे 10% लगेगा, 2,40,000। क्लियर, पक्का, आगे देखो।
और प्लीज पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता लग गया होगा, 8 क्लास हो चुकी हैं, आपको पता लग गया होगा सर कभी, मतलब मैं, मेरा मतलब ये है ही नहीं कि मुझे किसी की इंसल्ट करनी है। ये यार आप सीखने आए हो, मैं सिखाने आया हूं। 4 महीने क्या, जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं होते आप पूछना, मैं आपको छोटे बच्चे की तरह और मतलब तुम्हारा बड़े भाई बनके तुम्हें समझा दूंगा। संकोच मत करना पूछने, आप सीखने के लिए, ठीक है? जो मन में आए पूछो, डैम क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं। बाहर से भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं। 111 कैपिटल है, कितना लगेगा? 15% लगेगा। तो ये तो 20 लाख की है, उसके ऊपर कितना टैक्स आ गया? 3 लाख रुपए। और जो हमारी 70 लाख की इनकम है उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट लगना है, जो कि स्लैब रेट लगेगा, जो कि स्लैब रेट लगेगा। पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं भाई, इतना तो इसे बेनिफिट मिलेगा। पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, अगले 2.5। अब पता है इस बच्चा कह रहा है सर पता है क्या करो, 70 लाख को पहले 10 लाख का टैक्स तो आपको पता ही है, 1,12,500। और जो 60 लाख है उसके ऊपर 30%, वो कितना हो गया? 18 लाख। ये बताओ 19,12,500। हमारी कैलकुलेशन देखो कितनी स्मार्ट हो गई। ये कितनों को समझ में आया? मैंने 70 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 लाख का सीधे 1,12,500 और बाकी का जो बैलेंस 60 लाख उसका 30% 18 लाख। ईमानदारी से बताओ किसको आया समझ में, किसको नहीं आया वो बता दे, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 70 लाख रुपए बैलेंस है, इतना तो एग्री करते हो 70 लाख बैलेंस है भाई। पहले 2.5 लाख पे निल है, ये कौन बताता है? स्लैब रेट जीरो है ये। अगले 2.5 लाख पे 5%, तो 12,500। अगले 5 लाख पे 20%। सर ये आप कैसे लिख रहे हो? बच्चा कह रहा है सर ये आप कैसे लिख रहे हो? बेटा ये स्लैब बने हुए हैं, वो तुमने क्लास छोड़ी है, ये स्लैब बने हुए हैं। तो इसका कितना आ रहा है? 1 लाख। आपको नहीं लग रहा 10 लाख के ऊपर टैक्स 1,12,500 रुपए लग गया? जो बंदा पूरे हिंदुस्तान के अंदर सालाना 10 लाख से ऊपर कमाता है, अबाउट 10 लाख, उसके ऊपर 30% है। और हमारा अबाउट 10 लाख कितना है? 60 लाख। तो 60 लाख का 18 लाख रुपए आ गया, 19,12,500। अब बताओ क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसको ना आया हो? आप देख लो सब है, वो तो यशिका की क्लास छूट गई थी इसलिए उसको पता नहीं था। तो क्या हो गया क्लास छूट गई तो? आपको पता ही है सर बैकअप भी खुद भी दे रहे हैं, है ना भाई, जितनी हेल्प की जाए करो। मैं टीचरों के साथ बात कर रहा हूं कि भैया मुझे रैंक निकालना है इस बैच के अंदर, चाहे कुछ हो जाए, मैंने कसम खा ली। अब आप बस ये देख लो, और मेरे पास कोई बच्चा मैसेज करता है मैं उसको यही लिखता हूं, रैंक लानी है भाई। आगे बस में शायद ऐसा कोई आप में से है तो नहीं, किसी ने किया हो इस क्लास में, दूसरी क्लास का होगा कोई। अभी आपको पता है एक फ्रीडर बैच भी हम लोग ले रहे हैं, एकदम से उनको यहाँ क्यों नहीं बैठा रहे? वो बेचारा पगला जाएगा, ये क्या हो रहा है? अगर मान लो आज की क्लास ले लेगा तो पागल ही हो जाएगा, इतना खतरनाक सब्जेक्ट है भाई साहब। हाँ असली में हमें क्या होता है, हमें फिर पढ़ने की भी आदत वैसी होती है ना यार एकदम से। तो यहां तक मुझे बताओ कोई डाउट? अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये टैक्स आ गया, तो इसके ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा? 15%। ये आ गया हमारा 15%, और लॉन्ग टर्म वालियों के ऊपर भी 15 ही लगना है। अरे जो हमारे पास ये इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया? ये 5,40,000। इस 5,40,000 के ऊपर भी कितना लगेगा? 15%। और जो बैलेंस हमारी इनकम थी 70 लाख, उसके ऊपर जो टैक्स बना था 19,12,500। भाई सरचार्ज तो टैक्स के ऊपर लगेगा ना, यही तो टैक्स बना है मेरा 5,40,000, उसके ऊपर ही तो सरचार्ज लगेगा, यही तो टैक्स बना है 19,12,500, उसी के ऊपर तो सरचार्ज लगेगा। तो ये आ गए दोनों टैक्स, और फिर ये आ गया उसके ऊपर 4%, ये फाइनल आंसर आ गया अपना, देख लो एक बार। हाँ जी रिपीट कर दो, ये जो 5 लाख, पहले ये बताओ इन तीनों को जोड़ते हैं, पहले इन तीनों को जोड़ते हैं, ये सबको समझ में आ गया? इन तीनों को जोड़ के ये टैक्स आ गया,
अब आपको ये पता है कि मेरी इनकम के ऊपर सरचार्ज लगना है 15%, जो मेरी ये वाली दो इनकम है इनके ऊपर भी 15, और जो मेरी बैलेंस इनकम है उसके ऊपर भी 15। तो सरचार्ज क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। इन दोनों इनकम का टैक्स कितना बना है? 5,40,000। ये आप देख सकते हो, इन दोनों को आप देख सकते हो, इनका टैक्स बना है 5,40,000, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाले का टैक्स बना है 19,12,500। तो इसका भी 15% निकाल लिया, ये आ गया। इसका भी 15% निकाल लिया, ये आ गया। सर अलग अलग क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि भाई स्पेसिफिक वाली अलग रखनी है और बैलेंस वाली अलग रखनी है, नॉर्मल वाली अलग रखनी है। बात समझ में आ रही है? असली में पता है क्या होता है, इतने पैसे की कैलकुलेशन तो आज तक हमने की ही नहीं। एक प्रॉब्लम और है इसके अंदर, जब सिखाया जाता है कि इतने पैसे आ जाते हैं, इतने पैसे, मान लो तुम्हें मैं 1 करोड़ दे दूं और कहूं कि इसे लक्ष्मी नगर से यूपी लेके जाना है, सर माफ कर दो। हाँ, और क्या? और पता है क्या, अगर तुम लेके चले भी गए, जा रहे हो, तो तुम्हारे तो मतलब जब तक वो 1 करोड़ तुम यूपी में जाके दे नहीं दोगे जिस बंदे को, जब तक तुम्हारे तो मतलब सांस नीचे नहीं आएगी भाई। हाँ, इतना बुरा हाल हो रखा होगा। और हर आदमी तुम्हें देख के पता लगा लेगा कुछ तो चक्कर है, कुछ तो चक्कर है। और अगर कोई दूसरा आदमी मिल गया तो बस गए तुम। इसलिए तो जब मैरिज होती है तो आपके पापा भाई या बहन कोई भी बैंक जाता है तो किसी को बताते नहीं है। अब मान लो वहां से पैसा निकाल के ला रहे थैले में, पता है इनके घर में मैरिज है, जैसी थैला अंदर ले जा रहे थे एक आदमी छीन के भाग गया, ले भाई क्या सीन होगा ना। मूवी में ऐसे होता है, हकीकत में हो जाए, रियल में तो फिर क्या सीन होगा, मस्त है, बढ़िया काम हो जाएगा। बच्चे बता रहे थे हमारे कॉलोनी के उधर, एक कोई घुसा घर के अंदर और पता नहीं सिलेंडर के बहाने और पता नहीं सब पता नहीं क्या क्या कर दिया, वो गैस सिलेंडर, ये कहानी है। बताओ सर अगला क्वेश्चन ना हम निकालेंगे, हम में है दम, तो निकाल लो फिर, निकाल लो तुम में दम है। टोटल इनकम बता दो कितनी है, टोटल इनकम बता दो कितनी है। चार करोड़। ये आएगा मजा, इस क्वेश्चन में मजा आएगा, क्योंकि ये 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है। इसके सरचार्ज का रेट कितना है? 37%। पर ये वाली इनकम के ऊपर कितना लगेगा? वेरी गुड, इन दोनों इनकम के ऊपर 15% ही लगना है, इससे ऊपर नहीं लगना। आप सुनो, एक और चीज बता देता है? अच्छा 25 लगेगा, 37। एक कुछ तो बच्चे हैं क्लास के अंदर नालायकों, 25 आएगा ना। अगर 2 करोड़ से 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक 10% है, 1 करोड़ से ज्यादा है लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ तो 15 है, 2 करोड़ से ज्यादा है लेस देन इक्वल टू, पहले तो ये याद रखना पड़ता है, 5 करोड़ तक 25 है और 5 करोड़ के ऊपर है तो 37 है। याद हो गया? अब पहले तो तुम्हारे सामने रहना चाहिए ये। अब एक और चीज देख लो, सुन लो, अब एक और चीज सुन लो सारे, इधर देखो प्लीज, इधर स्क्रीन पे देखना है भाई, देखो इसको सारे, देखो प्लीज। मेरी टोटल इनकम कितनी आ रही है? ये तुम्हें तुम्हारे दिसंबर और जून की कसम है, जो मैं पूछूं वो बोलना है सभी को। मेरी टोटल इनकम कितनी आ रही है? 4 करोड़। 4 करोड़ के ऊपर सरचार्ज का रेट कितना होगा? 25%। इतनी बात समझ में आ गई? पर जो मेरी ये स्पेसिफिक इनकम है इसके ऊपर तो सरचार्ज 15% ही लगेगा, 15 से ज्यादा नहीं लग सकता। अब जो बोलने जा रहा हूं ना, सांसें ही रोक लो अपनी जो बोलने जा रहा हूं, और इधर देखो बिल्कुल। ये जो मेरी अदर इनकम है ये 1 करोड़ है। अदर इनकम कितनी है मेरी? 1 करोड़। आपको नहीं लग रहा अगर अदर इनकम मेरी 1 करोड़ है तो यार
उस पे तो सरचार्ज जो लगना चाहिए उस पे भी 15% ही लगना चाहिए, या कईयों को ऐसा भी लग रहा होगा 10 लगना चाहिए, कईयों का 10 का भी मन होगा, और कईयों का तो ये होगा कि सर 25 क्यों नहीं लगा रहे जब इनकम 4 करोड़ चली गई है। तो हमारा मन कहां कहां जा रहा है कि पहले तो आप 25 क्यों नहीं लगा रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि सर 15% ही लगेगा, हमें ऐसा लग रहा है 10 भी लगना चाहिए। लगना है 15%, रीजन बताता हूं क्यों। इस अदर इनकम के ऊपर भी सरचार्ज का रेट कितना लगना है, 15% लगना है, रीजन बताता हूं क्यों। अगर आपकी टोटल इनकम 25% के स्लैब में आ रही है, अगर आपकी टोटल इनकम 25% के स्लैब में आ रही है और उसका कारण कौन बना है, स्पेसिफिक इनकम, कारण कौन बना है, स्पेसिफिक इनकम या वो चार इनकम, क्या ये कारण है या नहीं है जिसकी वजह से मेरी इनकम 25% के स्लैब में आ रही है। अगर ये इनकम नहीं होती, एक बार के लिए इस इनकम को भूल जाओ, अगर ये इनकम नहीं होती तो मेरी इनकम कितनी होती, 1 करोड़, कितना टैक्स लगता, नहीं ये इस वाले में 10% लगता, फिर मेरा तो 10% लगना था सरचार्ज का रेट, फिर मेरा तो 10% लगना था। पर अभी क्या हुआ है कि सर जो मेरी टोटल इनकम है ना उसके अंदर ये स्पेसिफिक वाली इनकम आ गई है और उसकी वजह से मेरी इनकम क्या हो गई है, 4 करोड़ हो गई है, जिसकी वजह से मेरे सरचार्ज का रेट 25% जा रहा है। पर अगर ये पैसा नहीं कमाता तो वो तो 10% जाता केवल, वो तो केवल कितना जाता, 10%। आप मुझे ये बताओ अब कितना चला गया है, 25 चला गया, अब कितना चला गया, 25, जाना कितना चाहिए था, 10% होना चाहिए था। तो सही हो रहा है गलत हो रहा है हमारे साथ, गलत हो रहा है, 25 तो लगना ही नहीं चाहिए। तो लॉ मेकर ने कहा कि मैक्सिमम हम कितना लगा देंगे, फिर 15% लगा देंगे मैक्सिमम, कितना इसके पीछे वाला देंगे ना, आपको रिलैक्सेशन इसके पीछे वाली देंगे, रिलैक्सेशन किसकी देंगे, इसके पीछे वाले की देंगे, तो 15% आपके ऊपर लगा देंगे। अगर सर, अब वो कह रहे हैं क्यों, क्योंकि बेटा इनकम तो आपकी 4 करोड़ से ज्यादा है ना, लगना तो 25 था, और लॉ क्या कह रहा है कि इसके पीछे वाला सरचार्ज का रेट ले लो, इसके पीछे वाला सरचार्ज का रेट ले लो, बस आपको ये चेक करना है कारण क्या होना चाहिए, वो 4 स्पेसिफिक इनकम होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके ऊपर 25% आया था। मैंने बोला था 25% आएगा तो सोचना पड़ेगा, दिमाग में जोर डालना पड़ेगा, और अब जोर क्या डालना पड़ रहा है कि जब 25% आए तो ये चेक करना है कि क्या कारण उस चीज का, जो कारण बना है 25% आने का, क्या वो 4 स्पेसिफिक इनकम तो कारण बने हैं या नहीं बने। अगर आंसर आया कि वो कारण बने तो उस केस के अंदर हम उसकी अदर इनकम चेक करेंगे, हम उसकी क्या चेक करेंगे, अदर इनकम चेक करेंगे, और ये देखेंगे कि अदर इनकम के ऊपर कौन सा स्लैब रेट लगेगा। हम क्या चेक करेंगे, अदर इनकम के ऊपर कौन सा स्लैब रेट लगेगा। तो अदर इनकम के ऊपर स्लैब रेट लगना है 10, और लग कितना रहा था अभी 25, पर हम इसके पीछे वाला ही दे पाएंगे, 10 पे नहीं जा पाएंगे। अब मैं इसी में थोड़ा सा हल्का सा चेंज करता हूं। अगर ये 1 करोड़ 10 लाख होता तो 1 करोड़ 10 लाख तो भी 15% लगता। अब मैं एक और चीज कर देता हूं, अगर ये होता 90 लाख रुपए, अब तुम्हारा दिल कह रहा है ना 10%, पर मैंने पहले ही बोला 10 नहीं लगेगा, क्योंकि लगना कितना था, 25% लगना था, 25 क्यों लगना था। मान लो कि उसकी ये, मान लो लो ये लो ना, ये 2 करोड़ है लो, तो उसकी इनकम तो 4 करोड़ 90 लाख नहीं हो गई, और 4 करोड़ 90 लाख के ऊपर कितना लगने वाला है, 25% सरचार्ज लगने वाला है। पर उसकी इनकम 4 करोड़ 90 लाख रुपए हुई है, उसका इस 25% लगने का कारण क्या स्पेसिफिक इनकम है, आंसर इज यस, ये स्पेसिफिक इनकम है। अगर कारण ये है तो हम क्या करेंगे, अदर इनकम चेक करेंगे, वो कौन से स्लैब में आ रही है, सर वो 10% के स्लैब में आ रही है, पर उसके ऊपर लग क्या रहा है, 25 लग रहा है, तो उसको कितना रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 15 कर देंगे, 10 नहीं करने वाले, 10
नहीं करने वाले। बात समझ में आ रही? एक बार ये करो, धीरे धीरे आएगा। बहुत बड़ी बात थी ये। लग रहा होगा सर आज की क्लास तो भाई साहब मानना पड़ेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ये देखो, इधर देखो सारे, प्लीज स्क्रीन में देखो, ऊपर देखो। पेन से लिखना बंद, पानी पीना भी बंद। ये आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 4 करोड़। सर चार्ज का रेट बोल दो 25%, पर इस इनकम के ऊपर कितना? 15%। अब आपने क्या सीखा कि इसके ऊपर भी कितना लगेगा? 15 लगेगा, 25 नहीं लगने वाला। इतना समझ में आ गया? अब देखो कैसे आंसर निकालेंगे। पहले क्या करना है, स्पेसिफिक इनकम को अलग करना है। 112 ए वाली अलग कर दी, 1 करोड़, उस पे लगेगा 10%। तो आपको बताइए 1 लाख छोड़ देंगे तो 99 लाख के ऊपर 10%, 9,90,000। 9,90 में किसी को डाउट तो हैंड रेस कर लो। 111 कैपिटल ए 15%, 2 करोड़ का 15%, 30 लाख। कोई डाउट तो बताओ। और जो बैलेंस हमारी नेट टैक्सेबल इनकम, NIT का मतलब है नेट टैक्सेबल इनकम, जो बच गई है उसके ऊपर स्लैब रेट लगना है 1 करोड़ के ऊपर। तो आपको बताइए 1 करोड़ के ऊपर जब लगाओगे तो पहले 10 लाख पे तो 1,12,500 आ जाएगा। 10 लाख पे 1,12,500, ये शॉर्टकट है ना बेटा। और बैलेंस कितना? 90 लाख, उसका 30% 27 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये 28,12,500 रुपए। तुम्हें एक आदमी मिल गया, वो कह रहा है मैं कमा रहा हूं 30 लाख रुपए सालाना, तो क्या करोगे? 10 लाख पे 1,12,500, बाकी के 20 लाख पे 30%। आपने कई लोग ऐसे सुने होंगे, अगर आपको कुछ लोग मिले होंगे तो वो कहते होंगे हमारी इनकम ना 30% में स्लैब रेट पे टैक्सेबल हो रही है, 30% में। आप समझ गए 30% कब बोल रहा है? जब 10 लाख से ज्यादा कमा रहा है। आज जो लोग 10 लाख से कम कमा रहे हैं उनके ऊपर 30% का स्लैब आ ही नहीं रहा। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने स्पेसिफिक इनकम भी कमानी स्टार्ट कर दी है। अरबपति लोग हैं भाई साहब, पता नहीं कौन सी दुनिया वाले लोग हैं ये तो। और ये टैक्स आ गया, मुझे लगता है इसके बाद आपको आंसर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्या होगा? सर ये वाली जो, ये वाला जो टैक्स है कितना बन रहा है? ये 39 लाख, इन दोनों को जोड़ोगे 39,90,000। आपको नहीं लग रहा इसके ऊपर सरचार्ज 15% और इस वाले के ऊपर भी 15%? ये देखो नीचे सोल्यूशन में, इसके ऊपर भी 15% निकाल दिया, इसके ऊपर भी 15% निकाल दिया। अब वो सारा जोड़ के क्या है? आंसर निकाल दिया। और फिर जो आया वो 4% तो आपको लगाना ही है। पर एक बार ये वाला क्वेश्चन आप कर लो कॉपी में, ये वाला क्वेश्चन आप कर लो, बाकी ये पूरी फाइल आपके पास आ जाएगी। लग रहा है ना बहुत बड़ी चीज सीख रहे हो आज? ये आपके पास नहीं है, ये मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चन बना रखे हैं, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा। असली में हम खतरों के खिलाड़ी हैं, हम डरते नहीं हैं। पेपर में यह आ सकता है भाई, तभी पढ़ा रहे हैं आपको। पर अगर किसी बच्चे को एक क्वेश्चन दोगे तो वो आंसर नहीं निकाल पाएगा, वो आपको पता लग गया होगा आंसर क्यों नहीं निकलना उसका। दोनों के ऊपर टोटल इनकम पे, हाँ जी टोटल इनकम 4 करोड़ है। अब बोलो 4 करोड़ है ना, है या नहीं है? और इसका सरचार्ज का रेट क्या बन रहा है? 25%। तो ये वाली जो इनकम है इसके ऊपर तो 15 ही लगेगा, इसके ऊपर तो 15 के ऊपर जा ही नहीं सकते, यस नो? पर ये वाली इनकम देखा जाए, अगर ये इनकम नहीं होती तो इस इनकम के ऊपर तो 10% लगना था। वो तो इस कारण की वजह से, इस कारण की वजह से
ये कैपिटल गेन की इनकम की वजह से 25% का सरचार्ज चला गया, तो लॉ मेकर कह रहा आपको रिलैक्सेशन दे देंगे, 10 नहीं मतलब 25 नहीं लगाएंगे, 15% लगाएंगे। अगर अदर इनकम बच्चा कह रहा है 5 करोड़ 20 लाख होगा, सीधी बात कर लूं 5 करोड़ से ज्यादा होगी फिर तो भाई 37% तुझे देना ही था, फिर तो तुझे 37 देना ही था, बना लो जो केस, बहुत बढ़िया। उसने बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, अगर ये अदर इनकम 1 करोड़ नहीं होती, ये 5 करोड़ के ऊपर होती, तो भाई फिर तो मैंने क्या बोला है आपको, बस ये चेक करना है कि देखो पहले आपने सारा जोड़ लेना है। अब मुझे देखो, पहले स्क्रीन देख रहे थे, अब मुझे देखो, पहले आपने सारा जोड़ लेना है, टोटल इनकम आ गई आपके हाथ में, देखो इस इनकम के ऊपर 25% या 37% तो नहीं लग रहा, दो ही केस में हमें सोचना है, 25 में, पहला केस 25 का लेते हैं, 25% कब लगता होगा, जब इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होती होगी और लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ होती होगी, तो 25% लगता होगा, तो कितना लगता होगा, 25% लगता होगा। अभी हमारे इसी क्वेश्चन में आ जाओ, इसी क्वेश्चन के अंदर हमारी टोटल इनकम कितनी आ रही है, 4 करोड़, क्या इसी के अंदर आ रही है, तो सरचार्ज कितना लगना चाहिए, 25% लगना चाहिए। अब जैसे ही इसको देखो, जैसे ही 25% आया, ये 25% दिख रहा होगा आपको, इधर यहां लिखा हुआ नजर आ रहा है, मेरे को लिखा हुआ नजर आ रहा है 25% आ रहा है ना, बस जिसको आ रहा है ना भाई, ये 25% यहां पे लिखा हुआ नजर, उसी को समझ में आने वाला है। तो ये मेरी इनकम के ऊपर सरचार्ज कितना लग रहा है, 25% लग रहा है। अब मुझे सोचना है, अब मेरा दिमाग सोचना स्टार्ट करेगा, क्या सोचेगा कि मेरी इनकम 25% में जो आई है, इस 25% स्लैब के अंदर जो आई है, क्या उसका कारण ये कैप स्पेसिफिक इनकम है या नहीं, बस हां और ना, जैसे ही आंसर आया यस फिर मैं सोचूंगा, फिर मुझे क्या सोचना है कि यार जो मेरी अदर इनकम है अगर मैं ये नहीं कमाता तो कितना सरचार्ज लगता, 10% लगता, और अभी कितना लग रहा है, 25, क्यों, क्योंकि सर ये जो मेरी स्पेसिफिक इनकम है ना ये इसका कारण बना है, इस वजह से मुझे 25% देना पड़ रहा है, तो लॉ मेकर कह रहा है 25 मत दे, 15% दे, खुश रहे तू। अब बच्चा क्वेश्चन बना सकता है कि सर अभी इसी स्लैब के अंदर बात करते हैं कि सर अगर मान लो कि ये भी 2 करोड़ हो गया और ये 90 लाख कर लिया मैंने, अब मैंने ये 90 लाख कर लिया ना, अब मेरे सरचार्ज का रेट कितना हो रहा है, 25% हो रहा ना बेटा, 4 करोड़ 90 लाख हो रही है, तो मेरे सरचार्ज का रेट कितना है, 25% है, ये मैंने 2 करोड़ कर लिया, ये 2 करोड़ है, ये 90 लाख है, ये 90 लाख है, तो 4 करोड़ 90 लाख के ऊपर सरचार्ज का रेट 25%, इन दो के ऊपर कितना आएगा, 15 आएगा। अब मेरे को ये देखना है कि जो मेरी इनकम 4 करोड़ 90 लाख हुई है और मेरे ऊपर 25% लगा है, क्या वो कारण स्पेसिफिक इनकम है क्या, यस स्पेसिफिक इनकम की वजह से ही तो मेरे ऊपर क्या हुआ है, वो 25% का स्लैब लगा है, क्योंकि अदरवाइज मेरी 90 लाख की इनकम पे 10% का स्लैब लगना था, कितना लगना था, 10, तो अगेन लॉ मेकर क्या कह रहा है, 15% दे दे, अगेन तू 15% दे दे। अब बच्चा कह रहा है सर अगर ये 50 लाख से भी कम होता, मान लो अगर ये 40 लाख होती, अगर ये 40 लाख होती तो 4 करोड़ 40 लाख हो गई, तो मेरी इनकम के ऊपर 25% का सरचार्ज बन रहा है, स्पेसिफिक में तो 15 ही लगेगा। अब मेरी जो अदर इनकम है वो तो 40 लाख है, बस आप अदर इनकम को देखो 40 लाख है, अगर यही कमाता तो सरचार्ज ही पे नहीं करता, नील हो जाता, पर लॉ मेकर क्या कह रहा है, देख तेरे को 25 करना था, हम तेरे को कह रहे ना 15 दे दे, 10% की रिलैक्सेशन दे रहे हैं तेरे को। अब बच्चे का क्वेश्चन आ गया कि सर अगर मान लो कि ये ही 5 करोड़ से ऊपर चली जाए तो भाई एक बार बता, तब तो तेरे को देना ही होता था 37, अब रिलैक्सेशन नहीं, आप समझ गए होंगे रिलैक्सेशन कब दे रहा है लॉ मेकर, जब सर वो हमारा स्लैब रेट कम है और सरचार्ज लग रहा है ज्यादा, तब जाके रिलैक्सेशन दे रहा है, अगर वैसे ही 5 करोड़ से ज्यादा कमा रहे तो वैसे ही 37% बनता है, वो तो फिर इसमें रिलैक्सेशन मिला है 15% के लिए, कर दो अब इसको कर दो, बहुत हो गया।
मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये समझ में आ गया है, मैं 15-20 केस जल्दी से बना रहा हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, मैं 15-20 केस बना रहा हूँ, आज टाइम कम रहेगा हमारे पास। लिखे जी ब्रह्मास्त्र वाला एग्जाम्पल है, बाकी वो करक्स वाला मैं बनवाऊंगा आपको अभी। ये टेबल देख लो पहले कैसे बनानी, पहले आप देख लो फिर बनाना। पूरा एक पेज चाहिए इसके लिए, पूरा एक पेज चाहिए। पहले वाला कॉलम छोटा होगा, फिर दो बड़े होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2। सबसे पहला है सीरियल नंबर या केसेस लिख लो, केसेस। दूसरा है स्पेसिफिक इनकम, स्पेसिफिक समझ गए, 112, 112 कैपिटल ए, 111 कैपिटल ए, और यहाँ पे अलग से स्पेसिफिक है नहीं, पर डिविडेंड की इनकम के ऊपर स्टार लगा लेना, डिविडेंड इनकम भी ले रहे हैं। हाँ, डिविडेंड की इनकम क्या होती है, रिलायंस के शेयर खरीदे हैं रिलायंस की, हाँ डिविडेंड इनकम, बिल्कुल बिल्कुल, ये लिख ही देता हूँ, डिविडेंड इनकम, अदर इनकम, टोटल इनकम, सरचार्ज ऑन स्पेसिफिक इनकम, ठीक है ना, इंक्लूडिंग डिविडेंड की इनकम, हाँ, और रिमेनिंग इनकम, रिमेनिंग इनकम ऑफ सरचार्ज। तो पहले केस में क्या हुआ, फर्स्ट केस में मुझे 50 लाख से कम की इनकम लेनी है, कितनी लूं, 50 लाख से कम, 40 लाख लो। इधर देखो आप सारे, मेरी टोटल इनकम कितनी है, 40 लाख, इस टोटल इनकम के ऊपर अटैक 40 लाख, पर इस 40 लाख में दो इनकम है, एक स्पेसिफिक वाली है, उसको कितनी कर लूं, 10 लाख, और इसको कितनी कर लूं, 30 लाख। कोई डाउट है, मुझे बताओ मेरी इनकम सरचार्ज कितना लगेगा स्पेसिफिक इनकम के ऊपर, सर लगेगा ही नहीं ना, सर रिमेनिंग में भी नहीं लगेगा, सर 50 से ऊपर ही नहीं जा रहे आप, तो कोई सरचार्ज लगना ही नहीं। अभी बस देखते रहो, प्लीज देखते रहो, खेल खेल रहे हैं, देखते रहो, सांप सीढ़ी का खेल है, देखते सांप किसको काटता है। दूसरा, अब मुझे 50 लाख के ऊपर जाना है, 50 लाख के ऊपर जाऊंगा और कहां तक जाऊंगा, 1 करोड़ तक जाऊंगा, तो कितना ले लूं, 80 लाख लो बेटा, 80 मत ले, वो 40 का डबल कर दिया तुमने, 90 लाख ले ले, चल 90 लाख ले ली, इसको कितना ले लो, 60 लाख, ये कितनी, 30 लाख। मुझे बताओ मेरी इनकम के ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा, 10%, चाहे स्पेसिफिक वाली हो चाहे रिमेनिंग वाली हो, है ना, उसके बाद जो बची 30 लाख उसके ऊपर भी 10% ही लगना है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत कब होगी, अब होगी जब 25 के ऊपर जाए, घंटी अब बजने वाली, हाँ घंटी बजने वाली तुम्हारी। तीसरा, अब देखते हैं क्या होती है, अब जाऊंगा 1 करोड़ के ऊपर और कहां तक जाऊंगा, 2 करोड़ तक, तो कितना चला जाऊं, 1 करोड़ 80 लाख, जो तुम बोल रहे हो वही कर रहा हूं, 80 लाख ये ले ले भाई, 1 करोड़ ये ले ले, ठीक है। अब 1 करोड़ 80 लाख का टैक्स कितना है, 15%,
तो रिमेनिंग में तो 15 लगना है और इसके ऊपर जो स्पेसिफिक इनकम है उसके ऊपर कितना लगना है? उसके ऊपर भी 15 ही लगना है या 10% लगना है? मुझे मेरी टोटल इनकम चेक करनी है, मेरी टोटल इनकम के ऊपर सरचार्ज कितना बना है? क्या 15% में सोचने की जरूरत है? तो दोनों में ही 15 लगाएंगे ना, फिर क्यों सोच रहे हो फालतू? मैंने 10 बार बोल दिया, मेरे पेट में भी दर्द हो गया। मैंने आपको बोला है जब लगेगा 25 और 37 तभी सोचना, तभी दिमाग में जोर डालना, अदरवाइज डालना ही मत। तो मेरे भाइयों और बहनों ये गलती मत करना, वरना आज मोदी जी आएंगे शाम को मन की बात। नेक्स्ट आ जाओ, चौथे पे आ जाओ। हाँ जी, अब 2 करोड़ के ऊपर चले जाऊं और कहां तक जाऊं? 5 करोड़ तक। कितना ले लूं? 2 करोड़। तीन करोड़ पचास लाख। इसको कितना कर दूं? क्योंकि अब मैं इसके बहुत केस बनाऊंगा, अभी रुक जाओ, सिंपल बनाता हूं। 1 करोड़ ये, 2.5 करोड़ ये, 2.5 मतलब वो 250 हो गया ना, 350। कोई दिक्कत? टोटल इनकम कितनी है? ओ सॉरी, लाख लिखा है यार, ये करोड़ है। टोटल इनकम 3.5 करोड़ है। टोटल इनकम 3.5 करोड़ है। तो अब मेरी इनकम के ऊपर कितना सरचार्ज लगना चाहिए? 25%। अब मुझे सोचना है कि 25% तो लगना चाहिए, पर जो मेरी ये वाली इनकम है ना, इसके ऊपर तो 15 ही लगेगा। अरे यार, ये मेरी स्पेसिफिक वाली है। और अब मैं ये चेक करूंगा कि क्या कारण ये है या नहीं है। बच्चे ने सही पकड़ा, जिसकी वजह से मेरी इनकम के ऊपर ये 25% आया। तो मेरी इनकम के ऊपर अगर ये नहीं होता तो मेरी इनकम 2.5 होती, तो भी 25 ही आ रहा होता। सर समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना है, समझ में आ गया। हमने क्या करना है, पहले टोटल इनकम निकालनी है, उसके ऊपर लगना है 25%। जैसे ही 25 आया हम हाई अलर्ट हो गए कि सर जो हमारी ये स्पेसिफिक वाली है ना, इसके ऊपर तो 15 लगेगा। अब हमने ये चेक करना है कि सर ये 3.5 बना है, इसमें 25% लगा, क्योंकि अगर ये 2 करोड़ से कम होता तो कितना लगता? 15% लगता। क्या सर कारण हमारी स्पेसिफिक इनकम बनी है? नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी? क्योंकि भाई अगर ये हटा भी दोगे तो भी वो दो करोड़ से ज्यादा है। तो भाई अब तो 25 ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके देखो 10 केस बन जाएंगे, अभी बनाता हूं। और देखते हैं आप लोग जवाब दे पाते हैं या नहीं। पांचवा केस, 3.5 करोड़ ही ले रहा हूं। अब समझ गए, अब 3.5 करोड़ अगर मैं इसको 1.9 करोड़ कर दूं और इसको कितना कर दूंगा, 1. चलो ऐसा कर लो ना, सिंपल कैलकुलेशन रखते हैं, इसको 1.5 करोड़ कर देता हूं, तो ये कितना रहा होगा? ये 1.5 करोड़, तो ये 2 करोड़। कोई दिक्कत इसमें? अब मेरी इनकम के ऊपर कितना रेट लगना है? 25%। सर ये वाली जो इनकम है ना आपकी 2 करोड़ स्पेसिफिक वाली, इसके ऊपर तो 15 ही लगेगा। इसमें बच्चों कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये चेक करना है कि जो रिमेनिंग इनकम है उसके ऊपर 25 लगेगा या नहीं लगेगा। अब सर कारण चेक करना है, क्या कारण डिविडेंड की इनकम बना है? आंसर इज यस, अदरवाइज तो इस इनकम के ऊपर कितना लग रहा होता? 10%।
भाई 50 लाख के ऊपर होगा, 1 करोड़ तक होगा तो कितना है 10%, सॉरी 15 लग रहा होता, हाँ, और 1 करोड़ के ऊपर होता 2 करोड़ तक, ये सामने याद रहना चाहिए, 15, तो 15 लग रहा होता, और अभी कितना लग रहा है 25, तो ये कितना हो जाएगा अब 15। अब समझ में आया नहीं आया, कारण ढूंढना है, कारण कि ये स्पेसिफिक इनकम कारण बना है या नहीं। अगर ये कारण बन गया तो इस इनकम को चेक कर लो कि ये कौन से स्लैब के अंदर आ रही है। सर ये 15 के अंदर आ रही है तो 15 लग जाएगा, सर ये 10 के अंदर आ रही है तो भी 15 लग जाएगा, सर ये 0 के अंदर आ रही है तो भी 15 लग जाएगा। समझ गए, 0 कब आएगी, जब 50 से कम चली जाएगी। अब केसेस बनाने आगे ना, अगर ये बिलो 50 लाख चली गई तो भी 15 लगना है, अगर ये 50 लाख से ऊपर और लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ तक चली गई तो भी 15 लगना है, और अगर ये खुद ही 1 करोड़ से ऊपर जा रही है तो लगना ही था 15, तो लगना ही था 15। सर अगर ये खुद ही 2 करोड़ से ऊपर जा रही है तो फिर तो 25 ही लगेगा। सर ये खुद ही 5 करोड़ से ऊपर जा रही है फिर तो भाई 37 ही लगेगा। रिलैक्सेशन तभी मिलती है जब उसके ऊपर कम रेट लग रहा हो। आगे बात समझ में, ये 10% वाला था, सॉरी ये तो था ही नहीं, बिलो में तो था ही नहीं, ये 10 था ना। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये एक प्रोफेशनली लोग आपको समझा सकते हैं, ऐसी चीजें बड़ी खतरनाक चीजें हैं ये, इतना पहले आप लोग नोट कर लें, इतना पहले आप लोग नोट कर लें। हाँ भाई ऑनलाइन वालों बता दो, मजा आ रहा है या तुम्हारा सर फट गया, बाउंसर चला गया आज, ये घर जाके पढ़ना पड़ेगा, पहले ही बता रहा हूं। गई भैंस पानी में, भैंस की आंख, जब तक 25% और 37% नहीं आएगा ना, दिमाग में जोर मत डालियो अपने, जब तक मैंने चिल्ला चिल्ला के मैं थक गया हूं, मेरे पेट में दर्द हो गया, जब तक 25 और 37 नहीं आएगा दिमाग में जोर नहीं डालना है। तेरी टोटल इनकम तो 90 लाख है ना, टोटल तो 90 लाख रुपए कमा रहा है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, बढ़िया किया आपने क्वेश्चन पूछ के, जब तक 25% और 37% नहीं आएगा दिमाग में जोर मत डालना, मत डालना जोर, चाहे कुछ हो जाए। सर मुझे कुछ हुआ है, होने दे, जब तक 25 और 37 नहीं आएगा जब तक शांत रहियो, बिल्कुल बस। हाँ सर मेरे तो समझ में आ गया, मैं तो शांति रहूंगा, कहानी खत्म है, मैंने शांत रहना है, कहानी खत्म है। सर ये तो आज आपने ऐसी चीज सिखा दी है, किसी कोई मिल जाए कह दे जी मेरे को आता है टैक्स निकालना, ले भाई ले आ जा, करोड़ों के ऊपर टैक्स निकालते हैं, आप बता। भाई साहब ऑनलाइन में तो आग लगा दी बच्चों ने, कह रहे सर मजा आ गया, बिल्कुल सही बात है, ऑनलाइन में ऐसे ही होता है, बच्चे को मजा ही आता है बिल्कुल। मजा तो तुम्हें भी आ गया, पर ये सीखने को बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ सीखने को मिल गया। आज वो अपना लड़का नहीं आया, भवेश क्या नाम है उसका, क्वेश्चन पूछता है काफी, एक बच्चे का क्वेश्चन है,
112 ए 3 करोड़, 111 कैपिटल ए 2 करोड़, अदर इनकम 1 करोड़। 3 और 2 5 और 6। देखो बच्चे का क्वेश्चन है और देखते हैं कि आप लोग जवाब दे पाते हैं या नहीं। 112 कैपिटल ए वाला 3 करोड़, 111 कैपिटल ए वाला 2 करोड़, अदर इनकम 1 करोड़, टोटल कितनी हो गई? 6 करोड़ हो गई। कितना सरचार्ज लगेगा? इससे टुच्चा और गिरा हुआ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। 37% लगेगा और जो ये वाली इनकम है इसके ऊपर 15 लगेगा। अब बच्चा क्या कह रहा होगा कि सर क्या कारण ये बना है या नहीं बना है, क्योंकि अदरवाइज तो इस इनकम के ऊपर कितना परसेंट लगता? 50 लाख से ऊपर और लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, तो 10% लगता। तो अब कितना लगेगा? 37 क्यों लगेगा? बेचारा मर जाएगा। अगर ये इनकम नहीं होती तो 1 करोड़ कमा रहा होता और कितना टैक्स दे रहा होता? 10% के हिसाब से। और अब हम उसे कह रहे 37 दे, तो उसको हम कह रहे चल 15 पे ही दे दे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर वो वाला क्वेश्चन उनके वाला की सर अगर यही 6 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ से ऊपर हो जाए फिर तो 37 ही लग जाएगा ना। अगर ये 5 करोड़ से ऊपर चला जाए फिर तो 37% लग जाएगा ना। इसमें तो बेटा 15 ही लगना है ना, स्पेसिफिक इनकम में तो 15 के ऊपर जाना ही नहीं है। ये तो मैंने कसम दिलाई थी तुम्हें और तुमने कसम तोड़ दी है। मैंने बोला था स्पेसिफिक के ऊपर 15 के ऊपर जाना ही नहीं है। आर्यन भाई बताओ समझ में आया या नहीं आया? ये आर्यन का क्वेश्चन है। बातें नहीं, बातें नहीं। ये चार्ट कैसा लगा? ये टेबल कैसी लगी? मस्त ना। हाँ? सही कह रहे, अपने तो पेट दर्द हो गया भाई आज। चल बना ले क्वेश्चन, बना ले आज तू, ख्वाहिश कर ले अपनी पूरी। बता अदर इनकम आ, ये हुई ना बात, ये निकल के आया बेटा क्वेश्चन। 4 करोड़, बाकी 112 ये कर लो 1 करोड़ और 111 ये कर लो 1 करोड़। हाँ भैया टोटल इनकम 6 करोड़, सरचार्ज कितना लगना है? 37%। इन दो इनकम के ऊपर कितना लगेगा? 15% लगेगा। अब ये अदर इनकम चेक कर ले कितनी है, 4 करोड़। क्या कितना रेट लगना था इसके ऊपर? सर 50 लाख से ज्यादा लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, 10%। 1 करोड़ से ज्यादा लेस देन इक्वल टू 2 करोड़, 15। 2 करोड़ से ज्यादा लेस देन इक्वल टू 5 करोड़, 25%। इसके अंदर आ रहा है ये, तो 25 लगेगा इसके ऊपर। आप 15 थोड़ी ना लगा देंगे। और 37 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो तो कारण क्या बना, कारण तो ये था स्पेसिफिक इनकम, इसलिए नहीं लगा। आप समझ गए होंगे। बनाओ क्वेश्चन, बनाओ। और कोई है? और कोई है हो तो बताओ, बनाओ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया वो 37 नहीं, 25 दे दिया उसको। बिल्कुल 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 सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा। पायल नाम है आपका? अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या है? तान्या, याद रहेगा। एक मिनट, तुम्हारा नाम है सिमिस्टिक ऐसे क्या नाम था? अच्छा आकांक्षा,
बड़ा कंफ्यूजन हो रखा है मेरे को। हाँ कांचा बोलो बेटा। मेरे भाई अदर इनकम कितनी है? बोलो बोलो अदर इनकम कितनी है? 1 करोड़। और 111 कैपिटल ए वाली और 112 ए वाली? 6 करोड़। 4 करोड़ सारा मिला के कितना हो गया टोटल इनकम? 11 करोड़। सर चार्ज का रेट 37%, इसके ऊपर कितना लगेगा? 15%। अगर ये 1 करोड़ है तो कितना लगना चाहिए था? 10% लगना चाहिए था, तो कितना लगेगा अभी? 15। सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। अदर इनकम चेक कर लो, उसका रेट चेक कर लो, क्या लगना चाहिए। सर ये अदर इनकम अगर 2 करोड़ के ऊपर हो गई तो 25, 5 करोड़ के ऊपर हो गई तो 37। आर्यन भाई ये क्वेश्चन तो बता दिया है, बच्चों ने पूछ लिया है। ये वाला केस बताया था मैंने। सुनो सुनो जल्दी सुनो प्लीज, बातें बंद प्लीज। ये अगर आप देखोगे, मैंने आते ही आपको ये चार्ट बनवाया था और इसके नीचे मैंने बोला था कि मैं आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा, एक करक्स चार्ट दूंगा, तो मैं वो घर से भेजता हूँ आपको बना के, ठीक है? अभी टाइम लगेगा उसको बनाने में। उसमें क्या है कि जो जैसे बच्चे का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस चार्ट से वो सोल्यूशन निकल जाएगा। उसके आगे लिखो, आज नए पेज पे लिखो, एक सेक्शन है 288 कैपिटल ए लास्ट टॉपिक ऑफ द डे और 288 बी, 288 ए 288 बी। 288 कैपिटल ए क्या बोलता है? राउंडिंग ऑफ। क्या बोलता है? राउंडिंग ऑफ ऑफ टोटल इनकम। किसका राउंडिंग ऑफ करना है? टोटल इनकम का। और 288 बी किसका राउंडिंग ऑफ बोलता है? टैक्स पेबल का। तो एक राउंडिंग ऑफ किसका करवा रहा है? टोटल इनकम का। दूसरा राउंडिंग ऑफ किसका करवा रहा है? टैक्स पेबल का। देखो क्या बोलता है, चेक लास्ट डिजिट चेक करना है। कौन सा डिजिट चेक करना है? लास्ट डिजिट। और अगर आपकी टोटल इनकम का लास्ट डिजिट 5 और मोर है, 5 या 5 से ज्यादा है, तो उस केस के अंदर आपको उसे नेक्स्ट 10 डिजिट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? नेक्स्ट 10 डिजिट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अगर मेरी इनकम का लास्ट डिजिट क्या होगा? 5 या 5 से ज्यादा होगा, तो मैं नेक्स्ट 10 डिजिट में क्या कर दूंगा? कन्वर्ट कर दूंगा। तो इनकम टैक्स में जो राउंडिंग ऑफ है टोटल इनकम का, वो 10 डिजिट पे होता है, 100 पे नहीं। ये क्वेश्चन सीएमए के एग्जाम में आ चुका है कि इनकम टैक्स के अंदर टोटल इनकम का राउंडिंग ऑफ किस पे होता है? 10 डिजिट पे, 100 डिजिट पे नहीं।
और टैक्स पेबल का भी किस पे होता है? सेम है, 10 डिजिट पे। तो टैक्स पेबल का भी क्या करना है? लास्ट डिजिट चेक करना है। मान लो मेरा टैक्स पेबल आ रहा है 3, 4, 8, 5, 6, 7, ये आ रहा है मेरा टैक्स पेबल। तो बताओ मुझे टैक्स कितना पे करना है? 3, 4, 8, 5, 7, 0 मुझे पे करना है, क्योंकि ये लास्ट डिजिट 7 है। तो नेक्स्ट 10 क्या होगा? 70। ये तो आप 6th क्लास में पढ़े होंगे सब कुछ। अगर ये 8 होता, ये 5 होता है, अबे तो भी तो 70, ये 65 हो गया तो भी 70, अगर ये 66 होगा तो भी 70, 67 होगा, 68, 69 तो भी 70, और अगर ये 64 हो जाए तो बैकवर्ड, हाँ वेरी गुड, 60 हो जाएगा वो, समझ गए, तो प्रीवियस में चला जाएगा। 5 से कम होगा तो प्रीवियस में चला जाएगा। मेरी इनकम आ गई, आपके एग्जाम में क्वेश्चन में इनकम बता दी, 6, 4, 8, 2, 9, 7 ये इनकम बता दी, तो टैक्स निकाल लोगे क्या सीधे इसका? नहीं, पहले इसको राउंडिंग ऑफ करोगे। पहले इसको क्या करोगे? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे होगा? ये 300 हो जाएगा ये, और अगर ये 98 हो तो भी 300, 99 तो भी 300, 95 तो भी 300, 96 तो भी 300, और अगर ये 94 होगा तो 80 हो जाएगा। ओ 90 हो जाएगा बेटा, 90 कैसे चला जाए, 90 हो जाएगा, पीछे जाना है। समझे नहीं समझे? बस ये कहानी है भाई। तो फ्रॉम माय साइड चैप्टर 1 इज ओवर। हां जी, तो कुछ एक लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ा आज की क्लास में? बढ़ गया ना, बहुत बढ़ गया है सर। तो मिलते हैं मंडे की क्लास के अंदर नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ऑनलाइन वाले बच्चों को बताओ जी, मजा आया? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया।